हरे कृष्णा। भक्ति के मार्ग में बहुत सी क्रियाओं एवं साधनाओं को किया जाता है जिससे भक्ति में सहायता मिलती है। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना और इस मार्ग में जो भी सहायक है उसे स्वीकार करना। मूल सिद्धांत ये है कि भक्ति में जितनी भी चीज़ें अनुकूल हो उन्हें अपनाना चाहिए और जो प्रतिकूल हो उन्हें त्याग देना चाहिए। और भक्ति में अनुकूल चीज़ों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है व्रतों या उपवासों को करना, और वह भी विशेष अवसरों पर जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, व्रत और एकादशी इत्यादि। वैदिक गणना के अनुसार प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। अतः प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी आती है, अर्थात माह में दो एकादशी। इन्हीं में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है वरुथनी एकादशी, जो आमतौर पर चैत्र या वैशाख के महीने के दौरान पड़ती है। ये सबसे शुभ और कल्याणकारी एकादशी है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सदैव प्रसन्न रहता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जरूरतमंदों को दान देने से करोड़ों वर्ष तक ध्यान मग्न होकर तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी व्रत करने से दुखी व्यक्ति को सुख मिलता है। सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दांत और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी दानों में सबसे उत्तम दान तिलों का दान है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा गया है और स्वर्ण दान से भी अधिक महत्व है अन्य दान का, और इन सबसे अधिक शुभ इस एकादशी व्रत का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है जो भक्त श्री विष्णु में मन को लगाकर श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखता है उसे 10,000 वर्षों का तपस्या का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी के मिलने से दानों में जो उत्तम दान है कन्यादान, उसका फल मिलता है। माधव ये भी कहते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त जी भी इस एकादशी के व्रत के पुण्य को लिखने में असमर्थ है। पापी से पापी व्यक्ति भी इस व्रत का पालन करके उसके पाप विचार ही लोप हो जाएंगे तथा वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। पृथ्वी के राजा मानधाता ने वैशाख कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत रखा था जिसके फलस्वरूप उन्हें मृत्यु पश्चात उनके मोक्ष की प्राप्ति हुई। त्रेता युग में जन्मे श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा धूमधुमार को भगवान शिव ने एक बार श्राप दे दिया था। धूमधुमार ने तब इस एकादशी का व्रत रखकर जिससे वो श्राप से मुक्त हो गया और उत्तम लोक को प्राप्त हुआ। इस व्रत को महात्मा को लिखना और बताना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है जो वरुथनी एकादशी के महात्मा को पढ़ता है या सुनता है उसे 1,000 गाय दान का फल प्राप्त होता है और इस जीवन के पश्चात वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो आइए हम सब भी इस श्रेष्ठ अवसर का लाभ उठाएं, वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर और अपने समस्त दुख भय परेशानियों को दूर करें और एवं अंत में जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।